अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल खापा। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा क्विक सा गर्मियों में खाने वाला दोपहर में रायता बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। ये रायता आप सालन के तौर पे रोटी से खा सकते हैं, इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही आसानी से बन जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें दही चाहिए। मैंने यहाँ 3 पैकेट लिए हैं, आप देखते हैं हम इसमें से कितना यूज़ करते हैं। ये आलू हैं, आप इसके साथ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बैंगन भी इसी तरह गोल गोल काट के फ्राई कर सकते हैं। इन आलूओं को हम बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे, चिप्स तक की तरह तल लेंगे और बिल्कुल बारीक मैंने स्लाइस किया हुआ है इसको। ये 3 से 4 खीरे हैं जिन्हें मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। यहाँ पे ये मसाला है जिसे हम मोटा मोटा चटनी पीसेंगे इसकी। मैंने साबुत इसलिए रखा है ताकि आपको दिखा सकूँ। थोड़ा सा हरा धनिया है, 1 मुट्ठी के करीब, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 हरी मिर्च है, 2 साबुत लाल मिर्च हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। इसको हम मोटी मोटी चटनी पीस लेंगे। ये सामान है जो रायते के ऊपर भगाड़ जाएगा। 2 लहसुन के जवे हैं जो गार्लिक क्लोव होते हैं वो, 3 साबुत लाल मिर्च हैं, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून राई दाना है। और अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो इसमें कड़ी पत्ता बहुत ज़रूरी होता है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। तो चलिए फटाफट से अपनी रायते की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चूल्हे पे मैंने ये ऑयल गरम होने रखा है, इसमें मैं आलू फटाफट डालूंगी और फ्राई करूंगी। जितनी देर में ये आलू चिप्स की तरह फ्राई होते हैं, गोल्डन हो जाते हैं, मैं वो चटनी फटाफट पीस लेती हूँ रायते की। इसके आलू ज़बरदस्त से यहाँ फ्राई हो रहे हैं, ये इसी फ्राई में गल जाएंगे, इतने थिनली स्लाइस किए हुए। और यहाँ पे ये चटनी मैंने पीस ली ग्रीन। 3 पैकेट दही अपना एक मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इस दही को फेंटेंगे ये चटनी इसके अंदर डाल के। तो किसी भी कांटे से, चम्मच से, जिससे भी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे आप आराम से इसको फेंट सकते हैं। तो जनाब मैंने ये चटनी सारी इस रायते में डाली और चूंकि चटनी पतली है तो शायद अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आपको और ज़्यादा पतला करना है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, बट बहुत पतला ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको जल्दी से फेंटते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। चटनी मिक्स करने के बाद, इस तरह इसको फेंटने के बाद, आप इसमें नमक रख सकते हैं। अगर आपको और ऐड करना है तो आप नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, चटनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने, इसका नमक चख लिया, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये जो खीरा है कद्दूकस हुआ हुआ, ये हम इसमें डाल देंगे। खीरा डाल के मिक्स करेंगे, उतनी देर में आलू फ्राई हो जाएंगे तो हम आलू भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऊपर से भगार कर देंगे। सिंपल। ये देखिए जनाब, आलू फ्राई होकर निकल आए, ये आलू भी इस दही में शामिल कर देंगे। अब बस हल्का हल्का मिक्स करना है, आलूओं को तोड़ना नहीं है। आलू इसमें मिक्स कर दें ऐसे और अब हम इसमें भगार देंगे ऊपर से। ये देखें, बस इतना ऑयल होना चाहिए। इसमें ये अपने भगार का सामान ऐड कर दिया। इसको लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको दही पे भगार देंगे। ये देखिए ज़रा भगार रेडी है। ठंडा ठंडा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाइट खाने में। रोटी से आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, कुछ सालन की ज़रूरत नहीं है आपको। इजी क्विक बनने वाला ज़बरदस्त थी रायते की रेसिपी। तो जनाब ये थी इजी क्विक फटाफट और बहुत शदीद लजीज बनने वाला रायता, उसकी रेसिपी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर चैनल ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।